हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज अंशली गुप्ता। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक एज को देखने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस में हमने एलिजाबेथन एज, चौसर एज, मिल्टन एज एंड जैकोबियन एज, इन सभी एजेस को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोमांटिक एज को। रोमांटिक एज, जिसको हम रोमांटिज्म भी कहते हैं, रोमांटिक एज का पीरियड 1798 से 1837 यानी कि लेट 70s एंड अर्लियर 80s माना जाता है। इस पीरियड की शुरुआत 1798 में एक बहुत बड़े वर्क यानी कि लिरिकल बैलाड के पब्लिश होने से मानी जाती है, जो एक कोलैबोरेशन में वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस्टी कॉलरेज का। अब बात आती है कि इस एज को रोमांटिक एज क्यों कहा गया। आप कहेंगे रोमांटिक एज इसलिए कहा गया कि एक लड़का लड़की के बीच में रोमांस की बात चल रही है। मैं कहूँगी नहीं, इस एज को रोमांटिक एज इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो नेचर के प्रति ट्रू फीलिंग्स थी उसको पोएट बाहर निकाल के लाए थे। मीन्स नेचर के प्रति जो हमारी रिस्पेक्ट थी या फिर उनकी जो ट्रू फीलिंग्स थी, लव था नेचर के प्रति, वो इस एज में बाहर निकल कर आया था। इस एज में पोएट्स ने एक्सपेरिमेंट भी किए थे नेचर को लेकर और काफ़ी सारे उन्होंने वर्क्स भी लिखे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोमांटिक एज, तो इस टाइम पे इंग्लैंड का जो राजा था वो था जॉर्ज थर्ड। हम कह सकते हैं कि पागल राजा था जॉर्ज थर्ड, जिसके पागलपन की वजह से अमेरिका आज़ाद हो गया था उसके नाक के नीचे से। वो आगे हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि जॉर्ज थर्ड हमारे पास राजा था रोमांटिक एज का। पहले हम देखते हैं कि रोमांटिज्म क्यों आया। तो रोमांटिज्म आने के कोई एक कारण नहीं था, इसके कई कारण थे। जैसे एक फेमस कोटेशन भी है हमारे पास न्यूटन की कि फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है मोशन के लिए, जिसमें न्यूटन कहता है कि हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है। इसी तरीके से जो रोमांटिक एज थी वो भी एक रिएक्शन था उससे पहले की एज, यानी कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको हम एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं, उसका ये एक रिएक्शन था। जो मेन रिएक्शन बोलेंगे या फिर जो मेन कारण है हमारे पास रोमांटिक एज स्टार्ट होने का, वो था अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी में हुआ था, ये सबसे मेन कारण है हमारे पास रोमांटिक एज शुरू होने का। इसमें क्या हुआ था कि जो पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज हो गए थे, मतलब जो हमारा समाज था वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज हो गया था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब जो गांव की जनता थी या गांव के पीपल्स थे वो सभी के सभी शहर में रहने लगे। गांव की आबादी कम होती गई और शहरों की बढ़ती गई, इसी वजह से वहाँ पर कच्ची बस्तियाँ बन गई और वहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं था रहने का, तो बीमारियाँ फैलने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे। तो ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ। सेकंड वहाँ पे हुआ था कि अमेरिका आज़ाद हो गया था, यानी कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज थर्ड इस टाइम पे वहाँ पर इंग्लैंड का राजा था, तो उसके नाक के नीचे से अमेरिका आज़ाद हो गया था। ये भी एक मेन कारण था रोमांटिक एज शुरू होने का। थर्ड वन हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब जो फ्रेंच थे उन्होंने इंग्लैंड में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी, उनका जो कल्चर था वो भी इंग्लैंड में पैर पसारने लगा था। तो ये सभी कुछ देख के जो रोमांटिक पोएट्स थे उन्होंने सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हर जगह सिविलाइजेशन चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये इसलिए हो रहा है कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी यानी कि उससे पहले की एज में जो इमोशंस थे वो समाज में से गायब हो गए। तो उन्होंने उन इमोशंस को लाने के लिए मजबूरन नेचर पे लिखना शुरू कर दिया, उससे उन्होंने लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि द वैल्यूज़ ऑफ रोमांटिक्स यानी कि जो रोमांटिक पोएट थे उनके जो वैल्यू थी जिस पर वो लिखते थे वो थी, जो मेन था वो था नेचर। वो नेचर के बारे में लिखते थे, नेचर किस तरीके से हमारे लिए प्लेजर की तरह है, किस तरीके से वो गिफ्ट है, किस तरीके से लॉस है, बेनिफिट है, किस तरीके से लॉस है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यानी कि वो इमोशंस को जगाना चाहते थे। इमोशन जो हमारे गायब हो चुके थे समाज से उसको वापस लाना चाहते थे। सेकंड जो थीम थी इस पीरियड की वो थी चाइल्डहुड। इस टाइम के जो पोएट थे वो मानते थे कि जो चाइल्डहुड है वो एक बेस्ट एज है इनोसेंस की। ये एक एज है इनोसेंस की, इसमें ज़्यादा इमोशंस होते हैं।
जैसे जेन ऑस्टन, उन्होंने एक अपने बड़े फेमस वर्क एमा में चाइल्डहुड को डिफाइन किया है, चाइल्डहुड को बताया है कि कैसे एमा ने संघर्ष किया, कैसे उसने गिफ्ट मिले। और थर्ड वन आता है इमोशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इमोशन पर उन्होंने वर्क किया अपना। नेक्स्ट रिलीजन, वो रिलीजन के बारे में भी लिखते थे, मतलब जात पात इन सभी के बारे में वो काफ़ी लिखते थे, रिलीजन को शो करते थे अपने वर्क्स में। और नेक्स्ट वन है रोमांटिक लव, यस वो रोमांटिक लव के बारे में भी लिखते। इस एज में पोइट्स ने अपने इमेजिनेशंस को रोक नहीं लगाई थी, जैसे कि एक बहुत ही फेमस वर्क है एस टी कोलरेस का, द राइम ऑफ इनिशिएट मैरिनर। इस वर्क में पाप और मुक्ति यानी कि सिन एंड रिडेम्पशन इनका बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है। तो ये थे रोमांटिक एज के कुछ वैल्यूज जिन पर पोइट्स ने वर्क किया है। अब देखते हैं हम रोमांटिक पोइट्स को। तो फ्रेंड्स, रोमांटिक एज शुरू होने से पहले भी कई ऐसे पोइट्स थे जिन्होंने पहले से ही नेचर पर लिखना शुरू कर दिया था, जिनको हम ग्रेवयार्ड पोइट्स बोलते हैं। इनके अलावा रोमांटिक एज में दो जनरेशन थी पोइट्स की, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। आइए पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में जो पोइट थे जैसे रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज, वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट साउथ थे एंड विलियम हैजलेट एंड चार्ल्स लैम, ये फर्स्ट जनरेशन के पोइट थे। इनमें जो हमारे पास रॉबर्ट बर्न्स और विलियम ब्लेक हैं, ये बहुत बड़े पोइट थे। अब हमें पता है कि कोई भी काम अचानक से शुरू नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ऐसे रोमांटिक एज जब शुरू हुई, उससे पहले ही जिन पोइट्स ने लिखना शुरू कर दिया था उनमें सबसे बड़ा नाम है विलियम ब्लेक का। विलियम ब्लेक जो थे, उन्होंने 1789 में अपनी एक बुक लिखी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जिसमें इन्होंने अपने इमेजिनेशंस को पूरी तरह से उड़ान दी। और सेकंड, इन्होंने 1794 में जो इनका बड़ा वर्क था वो था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसको पब्लिश कराया था। इस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गया था और रोमांटिक एज में पोइट्री के लैंडस्केप पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, मतलब नेचर का कोई ऑब्जेक्ट शामिल किया है या नहीं किया है इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। यहाँ पे रीजंस को छोड़ के इमेजिनेशन पे फोकस किया गया था। जो ये विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरेज थे यानी कि एस टी कॉलरेज, इनकी मुलाकात 1795 में हुई और 1798 में इन्होंने कोलैबोरेशन में एक वर्क लिखा जिसका नाम है लिरिकल बैलाड। यही वर्क एक वो था जिसने रोमांटिक एज की शुरुआत की, यानी कि यहाँ से ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। जो ये लिरिकल बैलाड था, ये एक कलेक्शन था पोएम्स का, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की ज़्यादा पोएम्स थी और एस टी कॉलरेज की कम पोएम्स थी। लेकिन एस टी कॉलरेज की जितने भी पोएम थी वो सभी फेबुलस पोएम थी, जैसे द राइम ऑफ इनिशिएट मैनर, द ट्रिस्टेबल, आज भी बहुत फेमस पोएम्स हैं। अब बात करते हैं वॉल्टर स्कॉट की। वॉल्टर स्कॉट पोएट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे, वो पोएम्स भी लिखते थे और वो नॉवेल्स भी लिखते थे। उनके नॉवेल्स इंग्लिश में भी होते थे और वो हिस्ट्री का नॉवेल्स लिखते थे, मतलब हिस्ट्री के बारे में उनके नॉवेल्स ज़्यादा हुआ करते थे। रॉबर्ट साउथ जो हम थे वो फर्स्ट पोएट लॉयर थे, उनके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आए और विलियम वर्ड्स की डेथ के बाद एस टी कॉलरेज बने। लेकिन जो फर्स्ट पोएट लॉयर थे वो थे रॉबर्ट साउथ थे। ये भी बहुत फेमस थे, लेकिन इनको फेम इनके जीवन में नहीं मिली, इनके लाइफ में नहीं मिली, जब इनकी डेथ होगी उसके बाद इनको फेम मिला। विलियम हैजलिट एंड चार्ल्स लैम, ये भी बहुत बड़े पोएट थे और ये दोस्त थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज के। जो विलियम हैजलिट हैं वो शेक्सपियर के जो प्लेज होते थे उनके करेक्टर का क्रिटिज्म करते थे, मतलब उनको क्रिटिसाइज करते थे, ये इसलिए फेमस थे। एंड चार्ल्स लैम वो एक एसेस्ट थे, मतलब चिमनी स्वीपर एंड ऑल चाइना जैसे बड़े बड़े ऐसे इन्होंने लिखे हैं, ये अपने ऐसे के लिए फेमस थे। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज एंड वॉल्टर स्कॉट एंड रॉबर्ट साउथ है, इन सभी पोइट्स को लेक पोइट बोला जाता है। लेक पोइट मीन्स ऐसे पोइट जो ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे लेक हुआ करती थी। लेक मतलब झील, इंग्लैंड में वो ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे झील हुआ करती थी, इसलिए इन पोइट्स को लेक पोइट बोला गया। तो फ्रेंड्स, ये थे रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स। आइए अब देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से पोइट थे। तो फर्स्ट देखते हैं जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने एक वर्क लिखा था एमा, जिसके लिए इनको बहुत फेम मिली थी, और ये एक नॉवलिस्ट थी, ये आयोनिक लिखती थी और इनके जो बुक्स थे, इनके जो वर्क हुआ करते थे उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं मिलते थे, मतलब इनके ये कभी सुपर नेचुरल पर नहीं लिखती थी,
इनका सिंपल फंडा था, ये सिंपल लिखती थी, मतलब जो ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखती थी उसी पर लिख देती थी। उसके बाद भी ये काफ़ी फेमस थी, मतलब शेक्सपियर के जो प्लेज होते थे उनको पढ़ने के बाद जो सेकंड नंबर आता था, जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली नॉवलिस्ट थी वो थी जेन ऑस्टन उस टाइम पे। नेक्स्ट लॉर्ड बैरन, पी वी शैले एंड जॉन कीट्स, ये तीनों ही पोइट्स फैबुलस पोइट थे इस एज के। इनमें दो कॉमन चीज़ें थी, एक तो ये कि इन तीनों ही पोइट्स की काफ़ी कम उम्र में ही डेथ हो गई, मतलब 30 साल का इनका पोइट्री का करियर रहा था मैक्सिमम, और उस एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। दूसरा कि ये तीनों पोइट्स काफ़ी हैंडसम थे। इन्होंने जो लेक पोइट्स थे उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया था, मतलब जब विलियम वर्डफोर्ड और एस टी कॉलरेज का लिरिकल बैलाड आया उस टाइम पे ये पोइट्स कहीं स्कूल में रहे होंगे, लेकिन जब ये अपने चरम सीमा पे आए, अपने एज पर आए, तो इन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया था लेक पॉइंट्स को, उन्हीं लेक पॉइंट्स को। जो लॉर्ड बैरन थे ये तो अपने चरम सीमा पे थे, इनको तो फेम अपनी एज में ही मिल गया था अपने ही टाइम पर, लेकिन जो वापस पी वी शैले है एंड जॉन कीट्स थे, इनको कभी इनके अकॉर्डिंग की ऑडियंस नहीं मिली, मीन्स इनको अपने टाइम पर कभी फेम नहीं मिला। जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद ये फेमस हुए। जैसे पी वी शैले ने एक अपने शोक गीत लिखा था जो था एड नॉइस, जो कि अपने फ्रेंड इनके जॉन कीट्स की डेथ के बाद लिखा था। ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है, इसके बाद ही इन ये फेमस हुए थे। अब जॉन कीट्स ने भी काफ़ी वर्क लिखे हैं, जैसे इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो है वो ओड टू ऑटोमन, ओड टू मैंचोली, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, ये सभी इनके फेमस वर्क हैं। बात करते हैं मैरी शैले की। मैरी शैले पी वी शैले की वाइफ थी, इन्होंने भी काफ़ी वर्क लिखे, जिसमें एक इनका फेमस वर्क था पेरेंटिक्स, जिसमें इन्होंने हॉरर को दिखाया था, अलग ही टाइप के हॉरर को इन्होंने अपनी बुक में दिखाया था। तो फ्रेंड्स ये है रोमांटिक एज के सेकेंड जनरेशन के पोइट्स। 1837 में जब विक्टोरिया इंग्लैंड की रानी बनी तो उसी के साथ ही रोमांटिक एज का एंड माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है विक्टोरियन एज, को हम अपनी अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।